तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बारामूला एनकाउंटर का अब वीडियो भी सामने आया है और बारामूला में सेना के ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है, जिसमें आतंकियों के खिलाफ सेना किस तरीके से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, ये साफ तौर पर दिखा है। कैसे आतंकियों को ढेर सेना ने किया है, ये कैमरे में कैद हुआ है। और बारामूला में आपको बता दूं, कल एनकाउंटर हुआ था, ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरीके से जो आतंकी हैं उनको सेना ने घेर कर मौत के घाट उतारा है। नापाक हरकतों से ये आतंकी बाज नहीं आ रहे और सेना भी लगातार इन आतंकियों को चुन चुनकर इनके सही ठिकाने पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। घाटी में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और ऐसे में ये वीडियो सामने आया है बारामूला से, जहां किस तरीके से आप देख सकते हैं जो आतंकी हैं उनका सफाया किया गया है। और ये पूरा मामला जो है उसका एक वीडियो भी सामने आया है एनकाउंटर का, जिसमें किस तरीके से ताबड़तोड़ गोलीबारी जो है वो नजर आती है और उसके बाद आतंकियों को सफलता मिलती है। किस तरीके से नजर आता है कि वो लगातार हमला कर रहे थे, लेकिन फिर जो सुरक्षा बल हैं वो आतंकियों को घेर कर मौत के घाट उतारने में सफल होते हैं। तो ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां आतंकियों को उनके अंजाम तक किस तरीके से पहुंचाया गया है उसकी वानगी लाइव जो है वो रिकॉर्ड हुई। और इससे समझा जा सकता है कि आखिर किस तरीके से भारतीय सेना मजबूती से आतंकियों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां गया में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। गया में वजीरगंज स्टेशन और कुल्हान हॉल्ट के बीच एक चलता हुआ रेल इंजन बेपटरी होकर खेत में जा पहुंचा। जानकारी के मुताबिक लोको पायलट इंजन को लेकर लूप लाइन से गया जंक्शन की ओर जा रहा था, तभी अचानक इंजन अनियंत्रित हो गया। रेल इंजन ट्रैक से उतरकर खेत में जाते देख ग्रामीणों की भीड़ लग गई थी। अचानक इंजन को पटरी पर आते देख लोग हैरान हो गए। गनीमत ये थी कि रेल इंजन में कोई बॉगी और मालगाड़ी का कोई डिब्बा नहीं था। वहीं घटना में लोको पायलट भी पूरी तरीके से सुरक्षित था। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।